अस्सलाम वालेकुम। हम सभी को चॉकलेट केक खाना तो बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर चॉकलेट के साथ पके हुए केले को मिलाकर केक बनाई जाए तो बस उसका मजा ही अलग है। इस केक का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस केक की रेसिपी, चॉकलेट बनाना केक। अक्सर आपने घर पे देखा होगा, एक या दो केले बहुत ही ज्यादा राइप हो जाते हैं और इसे खाने की बजाय फेंक दिया जाता है। तो आज मैं इसी पके हुए केले से चॉकलेट बनाना केक बनाऊंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लूंगी। यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप और यह गया 1/2 कप। साथ ही ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीजों को हमें छान लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। इसे हटा देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे साइड पे रखेंगे। अब एक जार लेंगे और उसमें डालेंगे पके हुए केले। यहाँ पे मैंने 2 पके हुए केलों को इस तरह तोड़कर जार में डाल दिया है। अब इसमें 3/4 कप शक्कर डालेंगे। वजन से देखा जाए तो यह 175 ग्राम है। इस केक में हमें एक्स्ट्रा पाउडर शुगर बनाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल, 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो प्यूरी बनकर तैयार है। अब इसे केक मिक्स, जिसे हमने बनाकर रखा था, पूरा इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इसे ओवर मिक्स हमें बिल्कुल नहीं करना है। एकदम हल्के हाथों से इसे मिलाइएगा। तो आप देख सकते हैं बैटर अभी बहुत ज्यादा थिक है। यहाँ पे 1/2 कप दूध में 1 चम्मच वेनेगर डालकर बटर मिल्क बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो अब इस दूध को थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बैटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध ऐड कीजिएगा। हमें पूरा दूध एक ही बार ऐड नहीं करना है। यहाँ पे बैटर बनकर तैयार है, इसमें से थोड़ा दूध बच गया है, जिसे हटा देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसे मिला देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बिल्कुल रिबन की तरह फ्लॉई बैटर बनाना है हमें। अब इसमें ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने इस तरह काट कर रखा है। मेजरिंग कप से या 1/2 कप है, हल्के हाथों से इसे मिला देंगे। चॉकलेट की जगह आप किसी भी ड्राई फ्रूट या फिर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, यह भी बहुत अच्छे लगते हैं इस केक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। केक टिन भी हमने पहले ही तैयार कर लिया था। ऑयल से ग्रीस करने के बाद उस पर बटर पेपर लगा दिया है। केक का सारा बैटर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं इसे बेक करूंगी। 180 डिग्री पे 10 मिनट हमने अवन प्रीहीट कर लिया है। लेकिन अगर आप इसे कढ़ाई पे बेक कर रहे हैं तो पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। फिर केक टिन रखने के बाद इसे लो मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट तक बेक कर लीजिएगा। वैसे 30 मिनट के बाद आप अपने केक को चेक कर लीजिएगा, टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। तो केक बनकर तैयार है। मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ यह अच्छी तरह से बेक हुई है या नहीं। यह देखिए, यह बिल्कुल क्लीन है, इसके ऊपर बैटर बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। केक बहुत ही अच्छी तरह बेक हो चुकी है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूंगी। यह देखिए, केक बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। इसके ऊपर का बटर पेपर हटा देंगे और इसी के साथ सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट बनाना केक बनकर तैयार है। अब मैं इसके पीसेस काट लूंगी। तो मेरे यहाँ काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह केक कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके ऊपर आइसिंग शुगर डाल दूंगी। वैसे आइसिंग शुगर की जगह चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं केक के ऊपर। तो यह देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। बनाना के साथ चॉकलेटी केक का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। यह देखिए, यह केक कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है।
इसे सर्व करने के टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट सिरप डालकर सर्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बच्चों को जब भी केक खाने का मन हो या फिर घर पे कोई भी छोटी मोटी पार्टी या फिर सेलिब्रेशन हो तो इस केक को आप डेजर्ट या फिर स्नैक्स के रूप में या फिर टी टाइम पे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। यह केक सभी को बहुत पसंद आने वाली है, तो मेरी इस यम्मी और सुपर टेस्टी बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।